नमस्कार दोस्तों, टेक डाइवर्ट में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर एक्सिस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएगा। अब दोस्तों, आपको नीचे की तरफ अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एसएप सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मांगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको पहले नंबर वाले ऑप्शन पे चेक मार्क कर देना है। अगर आप दूसरे वाले पे करते हैं तो आपको बैंक जो है ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, तो हमें ऑनलाइन ही ओपन करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर, आधार और पैन कार्ड। तो यहाँ पे हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर जो है एंटर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक बॉक्स मिलेगा नीचे की तरफ, तो उस पर हमें चेक मार्क कर देना है। अब दोस्तों, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों, आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। थोड़ा सा इंटरनेट मेरे वहाँ स्लो है। अब दोस्तों, यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड की जो आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगी, एड्रेस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल एड्रेस टाइप में आपको कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको कोई भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना ओनिड जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे पूछ रहा है ब्रांच नेम, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो पिन कोड के द्वारा, और चाहो तो आप स्टेट जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सिटी जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिटी भी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ब्रांच सिंगल मैरिट, तो यहाँ लगाएं। इसके बाद ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस जो है फिल कर देते हैं। अब दोस्तों, आपको फादर्स का नेम डालना पड़ेगा, तो फर्स्ट में डाल देते हैं हम कमलेश। इसके बाद मिडिल में डाल देते हैं। इसके बाद लास्ट नेम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे मदर्स का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, तो दोस्तों यहाँ पे
अभी हम सेलेक्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। अब दोस्तों यहाँ पे एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेरी एनुअल जो इनकम है उसको 1 लाख रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा इंटर नॉमिनेशन डिटेल्स, तो दोस्तों आप चाहो तो अभी कर सकते हो, नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि बाद में हम करेंगे तो आप बाद में भी कर सकते हो, तो अभी मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हम लेटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है ऐड नॉमिनी लेटर, तो यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड ए टैक्स पेयर ओनली इन इंडिया, तो यहाँ पे हमें पहला वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है उसको यहाँ पे आप रिव्यू कर लें कि आपसे कोई जो है इंफॉर्मेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कोई गलत तो इंफॉर्मेशन आपने फिल तो नहीं करी है, तो इसको एक बार आप चेक कर लें। इसके बाद आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओ फाइल नंबर पे आएगा तो उसको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पिन जो है वो सेट कर लेना है, तो यहाँ पे हम फटाफट से सेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे बॉक्स पे चेक मार्क कर देना है। इसके बाद एक्टिवेट माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप ही आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, और यहाँ पे बता रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये डेबिट कार्ड है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें तो पता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लें। इसके बाद आपको स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा एक्सिस बैंक में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हो, लॉगिन टू एक्सिस मोबाइल, इस पे आप लॉगिन करके आप जो है अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।